तो मैं उधर फौजी रिटायर्ड, आज एक क्षण और आ चुका है कि मेरा दीपक जो स्पेशल फोर्स कमांडो इंडियन आर्मी का पैरा कमांडो बन के आ चुका है ग्राउंड के अंदर। तो दीपक ने ये उपलब्धि जो हासिल करी है, इससे बड़ा गर्व की बात होती है कि एक स्पेशल फोर्स में जाना और अपना और हमारे इलाके का और हमारे क्लब का नाम रोशन करना, क्योंकि एक सबसे सबको पता है कि पैरा कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता है। जो बच्चे जाते हैं उसमें 50% रिजेक्ट हो जाते हैं, और सिलेक्शन लेना उसके बाद ट्रेनिंग करना, यह हमारे लिए उसके लिए तो नहीं, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा लड़का इतने ऊपर जाता पहुँच रहेगा और ऐसा बन के पैरा कमांडो बन के आया। तो पिछले जब ये कमांडो जा रहा था तो इसने पूरा इंटरव्यू दिया था कि किस प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है। तो आज मैं दीपक से हम बातचीत करेंगे और पूछे कि बहुत बच्चों का पॉइंट होता है कि सर हम ऐसे करें बहुत ज़्यादा, और वो जो मैं वीडियो जो पुरानी वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उसके अंदर, और जिसमें जो बच्चों ने बहुत सारे पॉइंट पूछे थे कि सर हम ये सारे पॉइंटों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। हाँ दीपक, पर आपको अपना इंटरव्यू पूरा दो। मैं पैरा ट्रूपर दीपक राठौर, पैरा एसएफ से। और दीपक, आपका जो सिलेक्शन हुआ था तो आपने सिलेक्शन कैसे लिया था? सर सबसे पहले मैंने आर्मी का एग्जाम दिया, सी एग्जाम। सबसे बड़ी बात, एक ही बात ध्यान रखना, जो सारे सवालों का जवाब आज दीपक देगा। हाँ, सबसे पहले मैंने सी एग्जाम दिया, उसके बाद फाइनल मेरिट आई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फाइनल मेरिट में सी एग्जाम हुआ, उसके बाद मैंने जो फिजिकल के लिए बंदे लड़के बुलाते हैं उसमें मेरा नाम आया। तो आपका नाम ही क्यों आया? मेरा नाम तो नहीं आया था। पूरा बैकग्राउंड कहाँ कहाँ फेल हुए, काफी बंदों का जो अपने यहाँ से ग्वालियर यारों से 8000 समथिंग बंदे सिलेक्ट हुए थे फिजिकल के लिए। तो देखिए, आपको कहना चाहता हूँ कि उन्हीं बच्चों का नाम आता है जिन बच्चों के फिजिकल 100% का होना चाहिए, 100% का फिजिकल होना चाहिए और रिटर्न में आपके 70 क्रॉस होने चाहिए, उन्हीं बच्चों का क्या है पैरा के लिए आता आएगा। और वो उसके बाद क्या करते हैं, वॉलंटियर होते हैं। जी सर, वॉलंटियर होते हैं। जो बच्चे वॉलंटियर होते हैं कि हमें पैरा में जाना है, कमांडो बनना है, उसके बाद आपका उन पैरा वालों ने क्या टेस्ट लिया था? जो एआरओ पे गए, सीओ, एआरओ सीओ बोला कौन कौन पैरा में वॉलंटियर होना चाहता है, तो अपने एआरओ ग्वालियर से काफी बंदे 180 के समथिंग बंदे वॉलंटियर हुए थे, 400 बंदे थे जो 400 बच्चों में 180 बच्चे वॉलंटियर हुए थे। और वॉलंटियर होना एक, क्योंकि कमांडो बनने के लिए आपको सबसे पहले वॉलंटियर होना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ, मैं श्रीमान, मैं कमांडो बनना चाहता हूँ, आपको वॉलंटियर होना पड़ेगा। उसके 180 बच्चों आपको उसके बाद 2-3 दिन का समय दिया गया, पैरा से बाहर से पैरा वाले आए, उन्होंने हमारा फिजिकल लिया जिसमें 5 इवेंट रहते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ हुई। 5 किलोमीटर दौड़ का टाइमिंग क्या मिली थी? वैसे 20 मिनट दौड़ी थी, लेकिन सर 18 मिनट में क्लोज कर दिया था बैच, क्योंकि बंदे काफ़ी अंदर हो गए थे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 5 किलोमीटर को 17 मिनट में कंप्लीट करें, पहला टेस्ट जब आप। दूसरा टेस्ट कौन सा हुआ था आपका? उसके बाद चिनप, चिनप हुई थी। कितनी चिनप लगवाई थी? 12 चिनप। 12 चिनप लगवाई थी। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 चिनप लगवाई थी दीपक से, लेकिन आप प्रैक्टिस तकरीबन 15 की प्रैक्टिस करो। और फट्टा था कि पाइप था? पाइप था के ऊपर प्रैक्टिस करना, अगर फट्टा मिल जाता है तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टेस्ट क्या था? उसके बाद सेटअप लगवाई थी। सेटअप कितनी लगवाई थी? 40 सेटअप। मैं 1 मिनट में लगवाई थी, 1 मिनट में 40 सेटअप लगवाई थी। तो आप तकरीबन मान चला कि आपको 40 से 45 एक्स्ट्रा लेके चलना प्रैक्टिस में, ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ मोरल डाउन होता है। उसके बाद डिप्स लगवाई थी, 40 डिप्स लगवाई थी। और डिप्स कौन सी लगवाई थी? ओ कल देंगे पहलवान वाली लगवाई थी कि स्पोर्ट्स वाली? स्पोर्ट वाली। तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स वाली जो वीडियो के अंदर आप देख लेना, पुरानी वीडियो दीपक की जो वीडियो है उसमें आप देख लेना, जब कमांडो जाए तो उसमें क्या आपको फट्टेदार पोजिशन बनानी है और आपको 40 लगानी है, ध्यान रखना आप 50 की कोशिश करना, और लगा सकते हो 50 लगा सकते हो अब तो तुम कितने लगा देते हो, अब तो कमांडो में निकल। नेक्स्ट टेस्ट क्या हुआ था आपका? उसके बाद 5 मीटर का सटल हुआ था, 5 मीटर 17 सटल 1 मिनट में। 1 मीटर 1 मिनट के अंदर आपको 17 बार लगाया जाता है, टच एंड बैक होने के बाद ही 1 गिरा जाता है, ऐसा मतलब ना वहाँ गए और गिर गया। सर पूरा फिजिकल एक्सीडेंट में रखना है, गुड में नहीं रखना है आपको। बहुत बड़ी बात कही, जो बच्चे पैरा कमांडो कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको पूरा फिजिकल आपको एक्सीडेंट रखना ही पड़ेगा, अगर आप कहीं पे गुड में आ गए तो आप कमांडो नहीं बन सकते हो। तो यहाँ पे आप कमांडो बनते हो, तो कमांडो बनने के बाद कैसा महसूस हुआ था बाकी लड़कों से और अपनी थोड़ा अलग फील हुआ था? सर एक नॉर्मल आर्मी जवान और एक पैरा स्पेशल फोर्स का अलग ही से मतलब सर रिस्पेक्ट, और एक अलग ही से लगता है जब हम आर्मी एक इन्फेंट्री के बंदे के साथ खड़े होते हैं और हम एक पैरा, तो अलग ही सा गर्व से महसूस होता है कि हम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है दीपक ने, जब कोई एक चिड़िया लगाता है, बलिदान लगाता है और कंधे पर जब स्पेशल फोर्स लिखता है, एक अलग ही
एक अलग ही महसूस होता है और एक अलग गर्व महसूस होता है। और एक नज़र अगर आर्मी की, अगर रॉयल लाइफ को आप जीना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, मौका है कि आप बिल्कुल जो आप सोचते हो, कल्पना करते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर आर्मी में कमांडो विंग के अंदर मिलती है। और ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? सर 6 महीने मेरा पैराशूट रेजिमेंट बेंगलुरु में ट्रेनिंग चली, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद वहाँ से साढ़े छः महीने वहाँ पे आपकी क्या वहाँ पे ट्रेनिंग चली है। उसके बाद हम पास आउट हुए, वहाँ से हमें यूनिट बांटी गई, यूनिट में भेजा गया, कोई 7 पैरा, कोई 9 पैरा, कोई 12 पैरा, कोई यूनिट में भेजा जाता है। उसके बाद फिर यूनिट के द्वारा जितने बंदे यूनिट में जाए उनका यूनिट के द्वारा प्रोविजन चलाया जाता है, 3 महीने का प्रोविजन चलाया जाता है। जो प्रोविजन में 3 महीने का प्रोविजन पास कर लेता है, सभी इवेंट होते हैं बीपीटी जो ट्रेनिंग कैसा, उसको एक्सीडेंट में रखना है सभी को, जितनी भी उसमें इवेंट है उसको एक्सीडेंट में रखना है। और 3 महीने चलते आए सर, थोड़ी बहुत ऐसी तकलीफ ज़्यादा होती है। कितना सोने को मिलता है सही बताना, बिल्कुल सही बताना, सोने कितना मिलता है? सर किसी दिन 7 घंटे मिल जाता है और लगातार 3-4 दिन 2-3 घंटे नींद मिलती है। तो किसी दिन आप सोचो कि कमांडो बनना चाहते हो तो 7-10 घंटे, तो 7 दिन तो बाई चांस कहीं मौका मिलता है, 1 या 2 घंटे आपको सोने को मिलता है, तो आपको नींद अभी से त्यागनी होगी। तो और फिजिकल बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग कैसी हार्ड होती है नॉर्मल होती है? शुरू में सर लगेगा, प्रेशर आएगा, लेकिन अपन उसी माहौल में डल जाएंगे ना तो फिर होता रहता है सर, सब बस हार नहीं माननी है, मन से कुछ भी हो एंड अप नहीं करना है सर। वो बोलेंगे उस्ताद बोलेंगे कि छोड़ दो भी करना, लेकिन अपन को करना है, लगे रहो, भले वो सर कैसे भी हो, धीरे हो स्लो हो, लेकिन करना, लगे रहना है। तो वेरी गुड बात कि आपको कभी हार नहीं माननी अगर आप कमांडो बनना चाहते हैं। और फिर निकलते हैं कमांडो बनने के बाद, जब आप छुट्टी आए तो आपको कैसा लगा धर्म परिवार में? सर छुट्टी का तो काफ़ी इंतजार था कि कब छुट्टी जाएं हम। कितने महीने बाद छुट्टी आई? हम 11 महीने बाद छुट्टी आई सर। आपको जानना चाहता हूँ कि 11 महीने बाद आपको वर्दी, आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, 11 महीने बाद ये छुट्टी आया बच्चा आया, तो तकरीबन जो कमांडो बने तकरीबन 11 महीने बाद ही वो छुट्टी आए, वो तो ध्यान रखना तो आपको क्या है इस चीज़ का रखना। और बच्चों को ऐसी कोई बात बताना चाहोगे, मोटिवेशन करना चाहोगे, और एक अपने ऐसा है जिससे बच्चे और पैरा के अंदर आए, और पैरा और आम सिपाही में, आम फौजी बनते हो और सिपाही, आपकी सैलरी में कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क बताओ। सैलरी में तो सर एक नॉर्मल इन्फेंट्री जवान से, नॉर्मल एक जवान जवान की सैलरी से लगभग 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। 30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, तो ये आपको नॉर्मल से, जो आप नॉर्मल एक सोल्जर बनते हो वो भी नॉर्मल नहीं होता है, वो भी इंडियन आर्मी का है, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा पाउंड रहता है कि SF का, वो भी उनकी हार्ड ट्रेनिंग होती है, इनसे ज़्यादा हार्ड भी होती है कभी कभी, थोड़ा इनका टास्क ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट टीम होती है, वो लॉन्ग होता है, उनका काम अलग है, सभी का अपना अपना काम है, इनका थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, तो थोड़ा कह सकते हो कमांडो, अगर आप नाम ही कमांडो है समझ सकते हो, लेकिन हम उसको नॉर्मल नहीं बोल सकते, वो भी बहुत अपनी उनकी ट्रेनिंग हार्ड होती है, ज़्यादा वो होते हैं। तो सिर्फ सैलरी अगर आप फौजी बनी गए तो ये कमांडो बन के देखो, तो आपकी जैसे सैलरी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा, अलाउंसेस ज़्यादा फील्ड में रहने का मौका मिलता है, पैरा कमांडो को ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, अगर हम सर्विस कर ही रहे हैं तो एक अच्छी सैलरी भी आप लेनी चाहिए आपको। और कुछ बताओ बड़ा अच्छा सर? और मैं सभी भाइयों से अपने यही बता रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, फिजिकल को अच्छा रखना है, पढ़ाई है थोड़ी बहुत नॉर्मल चल जाएगी, इतनी भी नॉर्मल नहीं, मतलब ठीक ठाक 60-70% नंबर लाना जरूरी है एग्ज़ाम में, और उसके बाद फिजिकल को तगड़ा रखना है, फिजिकल तो एक्सीडेंट होना ही चाहिए, हर इवेंट को एक्सीडेंट रखना है तो आप पैरा के लिए सक्सेस हो जाओगे पैरा में। तो ये हुआ हमारा दीपक का इंटरव्यू, और दीपक को ये कहूँगा कि और भी बच्चे जो भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।